सो इन दिस रेसिपी आई एम गोना टीच यू हाउ टू मेक परफेक्ट चीज़ी सैंडविचेस। के लिए मैंने यहाँ पर पैन में ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑफ बटर और 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि आपका बटर ना जले, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा पकाना है कि बटर थोड़ा मेल्ट डाउन हो जाए। उसके बाद हम इसमें एक छोटी प्याज ऐड करेंगे, मीडियम साइज या प्याज ऐड करेंगे डाइस शेप के अंदर। इसको इतना पकाना है ट्रांसलूसेंट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसकी हम स्टफिंग ऐसी बना रहे हैं जो ब्रेड्स के अंदर होती है ना, थोड़ी व्हाइट सॉस टाइप की होती है, हम उस टाइप की बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा ऐड किया है। इसको हमने अच्छे तरीके से इसमें पकाना है कि इसकी थोड़ी सी फ्रेग्रेंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून और इसको फौरन से मिक्स करना है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है कि इसमें लम्स क्रिएट ना हो, ऐसे तो नहीं होंगे, आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाइएगा। उसके बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस मैं ऐड करूंगी, मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डालना है आपने मिल्क, ठीक है। मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पे कैप्शन में लिखा हुआ है, और 1 टीस्पून आप डालिएगा। और मैंने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। उसके बाद लहसुन पाउडर ऐड किया 1 टीस्पून और सॉल्ट ऐड किया 1 टीस्पून, ठीक है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। आफ्टर एडिंग स्पाइसेस मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चिकन की यखनी। मैंने चिकन बॉयल जो की है, मैंने उसकी यखनी निकाली थी और उसके बाद मैंने यहाँ पर मोजरेला चीज़ ऐड की है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करेंगे, चेडर चीज़ हो तो ये और अच्छा हो जाएगा, वो भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर शर्रेड चिकन ऐड किया, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर इसको साइड पे कर देना है। इसका काम हो चुका है, फिलिंग रेडी है। अब हम करेंगे असेंबलिंग। असेंबलिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ दो टाइप की। यहाँ पर मैंने पहले में एक ब्रेड रखी है, मेयोनीज स्प्रेड की है, और जो हमने चिकन स्प्रेड बना के रखी थी अब वो ऐड करेंगे। उसके बाद चिकन स्प्रेड अच्छे से आपने किनारों तक लगाना है, इसके कॉर्नर्स ही छोड़ने, वरना सैंडविच बेकार होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से उसको फिल किया है। उसके बाद मैंने इसमें मोजरेला चीज़ डाली है, एंड इफ़ यू हैव चेडर चीज़ प्लीज़ डोंट स्किप, आप वो लाजमी ऐड करिएगा, ठीक है। मेरे पास सीन ही, तो मैंने मोजरेला ही ऐड की है। उसके बाद मैंने इसमें ब्रेड स्लाइस एक और रखा, फिर मैंने इस पर बटर स्प्रेड किया। अब बटर स्लाइस स्प्रेड कर रही हूँ, जो हम पैन में पहली साइड फ्लिप करेंगे वो बटर वाली करेंगे, तो हमने इसको यहीं से बटर लगा के फिर मैंने यहाँ पर फ्लिप कर दिया इसको, ठीक है। बटर वाली साइड नीचे है, अब जब तक ये नीचे से सिख रहा है बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाना है इसको, और यहाँ पर फिर बटर वाली साइड हो गई। इसको फ्लिप जब किया तो आपने इसको बिल्कुल जेंटली प्रेस करना है ताकि वो बीच से भी सिख जाए। होता ये है कि साइडों से फिर आपका कलर आ जाता है, बीच का नहीं आ पाता। अब यहाँ पर मैंने मोजरेला चीज़ इसके ऊपर से ऐड कर दी, अगर आप चाहें तो नहीं करिएगा, और अगर आप ऐड कर रहे हैं तो फिर इसको हमने कवर करके इतना पकाना है कि चीज़ मेल्ट हो जाए, ठीक है। 2 मिनट के अंदर मेल्ट हो जाएगी। अब इसको निकाल लें, मैं आपको यहाँ पर कट करके दिखा रही हूँ सैंडविच। देखिए कितनी प्यारी किलो का ये, और इतने चीज़ी बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे आपके सैंडविचेस, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। व्हाइट सॉस टाइप के होंगे, या जैसे आपने ब्रेड की स्टफिंग कभी खाई होगी, ब्रेड जो होती है ना उसके अंदर जो स्टफिंग होती है वो इसी टाइप की होती है। इसका चीज़ फुल कितना मज़े का आया है ना, ये आपको खाने में भी इतने ही मज़े के लगेंगे, आप लाजमी ट्राई करिएगा। ओके, आफ्टर डैट मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सेकंड असेंबलिंग है मेरी, ठीक है। मैं यहाँ पर डबल लेयर करूँगी इसकी, मैंने यहाँ पर वही सेम प्रोसेस रिपीट किया है, बस मैंने यहाँ पर कैचअप ऐड किया है, इससे थोड़ा फ्लेवर टैंगी हो जाएगा, बहुत मज़े का आएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा उससे। फिर मैंने यहाँ पर चिकन स्प्रेड किया सेम तरीके से, फिर ब्रेड स्लाइस रखा, फिर मेयोनीज लगाई इसके ऊपर, बस उसके बाद मतलब सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा आगे, मतलब रिपीट नहीं होता रहेगा, ये लास्ट लेयर होगी मेरी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर वही ऐड किया, फिर दोबारा से चिकन, फिर चीज़, फिर ब्रेड, फिर चीज़, ठीक है। इससे आपका चीज़ फुल बहुत अच्छा बनेगा, और ये मैं सेकंड असेंबलिंग दिखाई जो भी रही हूँ कि इसका चीज़ फुल और अच्छा बनेगा, क्योंकि इसमें डबल चीज़ है ना, हम ऊपर भी ज़्यादा लगा रहे हैं अंदर भी। वैसे तो पहले वाले का भी बहुत अच्छा चीज़ फुल था, लेकिन ये वाला भी बहुत अच्छा बनेगा। इसको मैंने वही नीचे बटर लगा के, ऊपर बटर नहीं लगाया, नीचे बटर लगा के पैन में इसको अच्छे तरीके से टोस्ट कर लिया। किसी शार्प नाइफ से आप इसको पीसे कट करें। नाउ लुक एट डैट, इसका इतना प्यारा चीज़ फुल है, और आप लोग ये लाजमी ट्राई करिएगा रेसिपी, और मुझे लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा। आई विल बी मीटिंग यू गाइस विद अनदर रेसिपी, टिल देन टेक केयर।